रोहतक दिल्ली हाईवे NH9 पर स्थित सापला बाईपास के बेरी चौक पर दोपहर 12 बजे इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे, जहां पहुंचने पर इनेलो के कार्यकर्ताओं ने कृष्ण पहलवान जसौर खेड़ी की अगुवाई में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का फूलमालाओं से स्वागत किया। ओपी चौटाला ने भी अपने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। सापला पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब 2005 में हमारी सरकार थी तो हमने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार के खजाने में छोड़े थे और आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जदार है हरियाणा। विकास के नाम पर कहीं कोई ईंट नहीं लगी, ना तो स्कूल में मास्टर है, ना हॉस्पिटल में डॉक्टर, दवाई और बेड नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा। ये सरकार लुटेरों की है, केवल लूटने पर लगी हुई है। ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, केवल घोटाले किए हैं, जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया। वहीं एक सवाल के जवाब में चौटाला ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन नीति चौधरी देवीलाल ने शुरू की। ये पेंशन मान सम्मान के लिए शुरू की गई थी और आज बीजेपी इस पेंशन नीति को खत्म करने पर उतारू है। बीजेपी सरकार में आए दिन भ्रष्टाचार के घोटाले उजागर हो रहे हैं और ये सभी घोटाले बीजेपी की ही देन है। रोहतक से विकास उल्याण की रिपोर्ट। सर, बुढ़ापा पेंशन पे खतरा मंडरा रहा है, सरकार की क्या मनसा मानते हैं? सरकार हो तो बात चले, सरकार तो है नहीं, तो लुटेरों का एक गिरोह है। पेंशन बुजुर्ग का सम्मान बढ़ाने, वीडियो बना ले। एक इनेलो टूट के जेजेपी बनी है, जेजेपी ने है जो राजस्थान में अपना विस्तार करना शुरू किया है, क्या अपने पोते को शुभकामनाएं देना चाहोगे? जोड़कर आंखों में जाने कौन कहा क्या करता है, मैं आपको। आपकी उम्र दराज हो रही है, क्या आपको कोई ऐसा मलाल है कि जनता की भलाई के लिए ना कर पाए हो कोई काम? हमारा काम यही है कि जनता की भलाई के लिए। तो पार्टी के विस्तार के लिए क्या कुछ थी? Everybody dreams of future. We need universities that cater to the diversities. A university where future is present. Welcome to Geeta University. Future is here. Geeta University, Panipat. Powering education, empowering minds.